फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मर्सल रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा तुरई। भरवा तुरई बहुत टेस्टी लगती है और उसके सामग्री जो है वो ये तुरई है। इसके लिए मैंने ये पीनट लिए हैं 4-5 चम्मच। उनको रोल अच्छी तरह से कर लिया है और उसमें लहसुन की कली 9-10 लहसुन की कली है वो डाल के हम उसे मिक्सर में कर लेते हैं। और ये तुरई जो है इसके आप छिलके कवर ऊपर का निकाल के भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली करती हूँ पर उसको टेस्ट करके करना है क्योंकि कभी कभी ये कड़वी भी निकलती है, तो टेस्ट करके हम करेंगे इस तरह से। इसके इस तरह से पीस बनाएंगे, मैं आपको एक करके बताती हूँ। आप चाहे तो ऊपर का ये कवर निकाल के भी कर सकते हो पर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है इसलिए मैं वो कवर नहीं निकालती हूँ। फिर इसे ऐसे बीच में से कट करके ऐसे करना है और उसे पानी में डालना है। सब ऐसे कट करके पानी में डालना है और उसके बाद पानी से निकाल देना है इस तरह से। इसे हम मिक्सर में पीस लेते हैं। हमने लहसुन और वो पीनट अच्छी तरह से मिक्सर में कर लिया है। अभी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक और 1 छोटा चम्मच हींग और धनिया, सबको मिक्स करना है। और हमने तुरई पानी में से निकाल के डाली के बॉल में रख दी है कि ताकि पानी पूरा अच्छी तरह से निकल जाए। अगर आपको थोड़ा मीठा बना रहे हैं तो आप 1/2 चम्मच शक्कर भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। अच्छी तरह से हमें मसाला मिक्स करना है। तुरई को इस तरह से करके अच्छी तरह से दबा के भरना है। इस तरह से जितना आप दबा के भरोगे उतना मसाला अच्छा अंदर रहेगा। तरह से भरना है। ऐसे हम सभी तुवर के पीस भर लेते हैं। इस तरह से दबा के भरना, जॉइंट कर। इस तरह से हमने पूरी भर दी है। अभी ये 2-3 जो बचे हैं उसे हम कट कर लेते हैं। अभी 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है, 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छी तरह से होने देंगे। राई हमारी तड़कने लगे अभी गैस धीमा करेंगे, हमें स्लो फ्लेम पे उसे पकाना है। रख दिया है, अभी इसे
डालना, पहले पानी नहीं डालना है क्योंकि तुरई का खुद का पानी आता है, इसलिए वो डालना नहीं है। उसे ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे उसमें पकाएंगे। वो जो मसाला वाला है वो डिश हमने वैसे ही रखी है, अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो इसे ही उसमें थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे। अभी उसे धीमे आँच पे होने देते हैं। अभी इसे थोड़ा हिला देते हैं। इतना सा थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। वैसे तो पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पर हमारा मसाला था तो वो मसाला का पानी भी यूज होना चाहिए, इसलिए मैंने वो डाले। वापस उसे ढक के रखते हैं इस तरह से और अच्छी तरह से उसे पकने देते हैं। वापस उसे चेक कर देते हैं। हमने 2-3 चम्मच ही पानी डाला था और वो तुरई का पानी ही होता है, इसे वो आ जाता है, इसलिए इसमें पानी नहीं डालना होता है। अगर डालना है तो आप थोड़ा सा ही डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप। अभी तक हमारे तुरई पकी नहीं है, अभी इसे वापस रख देते हैं क्योंकि हम इसे धीमे आँच पे कर रहे हैं। हमने जो मसाला डाला है मूंगफली का वो चिपक ना जाए, इसलिए हम धीरे 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 पका रहे हैं, लो फ्लेम पे पका रहे हैं। अभी वापस रख देते हैं। अभी इसे ढक देते हैं और 7-8 मिनट के बाद वापस चेक करते हैं कि हमारा हुआ है या नहीं। 7-8 मिनट हो गए, अभी वापस चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हमारी सब्जी तुरई की बन गई है। अभी इसे थोड़ा ही हिला देते हैं। वैसे तो परफेक्ट हो गई है, इस तरह से नरम हो गई है। अभी इसे गैस बंद कर देते हैं और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी सब्जी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। हमारी तुरई की सब्जी भरवा तुरई तैयार हो गई है, बहुत यम्मी यम्मी बनी है। आप बना के देखिए। इसे अभी धनिया से थोड़ा गार्निश करते हैं। तुरई की सब्जी बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तुरई की सब्जी भरवा तुरई ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।